लेकिन उन छह कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। 42,000 करोड़ रुपए क्या कर रही थी सेबी जब ये काला धन लग रहा था? क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब ये काला धन अडानी की कंपनियों में लग रहा था? सेबी इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि सेबी में अडानी का समधि बैठा हुआ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने सेबी से भी जांच की रिपोर्ट मांगी है, कम से कम उसके रिश्तेदार को उसमें शामिल ना किया जाए। वो रिश्तेदार अगर जांच करेगा तो कैसी जांच रिपोर्ट बना के देगा यह समझा जा सकता है, क्योंकि सेबी तो खामोश रही है। अनाप शनाप पैसे दुनिया के देशों से, काला धन हजारों लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आ रहा था, सेबी देख नहीं पाई क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर नजर रखने की जिम्मेदारी तो सेबी की है, क्योंकि वहां पर हो रहे किसी घोटाले घपले को देखने की जिम्मेदारी सेबी की है। अगर शेयर ओवर वैल्यू हो रहा था, मुनाफा ना होने के बावजूद शेयर के दाम अचानक बढ़ रहे थे, तो सेबी ने क्यों उस समय जांच नहीं की? LIC का करोड़ों रुपए डूब गया, हजारों करोड़ रुपए डूब गया, SBI ने हजारों करोड़ का कर्जा दे रखा है। आज जिन लोगों का पैसा LIC में बुढ़ापे के पेंशन के लिए, बीमारी के लिए, बेटी की शादी के लिए लगा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। जिन लोगों ने SBI में पैसा जमा कर रखा है वो सारे लोग चिंतित हैं। और बैंक मोदी जी डुबाना चाहते हैं, इसका एक ही प्रमाण है कि इन्होंने कहा है भले ही आपका करोड़ों रुपए बैंकों में जमा हो, लेकिन नया कानून मोदी जी ने बना दिया, वापसी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। भले ही बेटी की शादी के लिए आपने 20 लाख जमा किया हो, बेटी की शादी की तारीख आ गई, बैंक डूब गया, तो मोदी जी सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देंगे और कहेंगे अपना रास्ता नापो। ये कानून बन गया, नया कानून बन गया, कोई भी बैंक डूब जाए, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अपने दोस्त को उन्होंने अनाप शनाप फायदा पहुंचाया है, देश के बैंक डूबेंगे, देश के बैंक डूबेंगे। नया कानून कहता है 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह जो फैसला है यह भारत की सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है, और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए तो करते हो मोदी जी, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए उन सारी जांच एजेंसियों को काल कोठरी में बंद कर देते हो, उस पर कार्रवाई नहीं करते हो, यह भी पूरे देश ने देखा। हमारी JPC की मांग, सदन में आवाज उठाना या सदन की प्रक्रिया में आवाज उठाने का मौका न मिलने पर सदन पे नारे लगाना और बाधित करना 100% सही था, यह बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गई। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह कॉरपोरेट जगत का और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में उनके मित्र अडानी ने किया है। इसकी जांच की परतें खुलनी चाहिए, और JPC की जो हमारी मांग है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, JPC की जो हमारी मांग है, उस JPC के माध्यम से जांच होगी तो बहुत सारे और सच और तथ्य सामने आने में मदद मिलेगी। पहली बात तो यह अडानी को लेकर मामला था, दूसरा एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से, वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं,
चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं, और ये सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी, और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे, ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है, और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो? आपने जेपीसी की मांग को लेकर बोला, तो क्या इतने से संतुष्ट आप लोग नहीं है जेपीसी की मांग को लेकर? सदन के अगले सत्र में जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, जेपीसी की मांग जो है वो पार्लियामेंट की मांग है, पार्लियामेंट के सदस्यों की मांग है। जेपीसी की मांग से सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई अंतर नहीं आएगा। जेपीसी तो पार्लियामेंट